स्टार्ट करते हैं। भले ही मैंने होमवर्क दिया हुआ है पर अभी आप कुछ नहीं पूछोगे, पहले मैं बताऊंगा। अभी मेरे पास कुछ चीजें और है बताने को, जो आपको कुछ और चीजें कैपेसिटेंस में और लेवल बढ़ाएंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर है 81, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा सकते हो इस पे, 3 स्टार। 81 क्वेश्चन, क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, फिर आप उसे पढ़ लेना बाद में। क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो ये कह रहा है कि ये कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, और चार्जिंग मोड में है। इस समय है 52, यानी 50 बच्चे हैं, उनका नुकसान होना चाहिए जो टाइम पे नहीं आते, सीरियसली। इसलिए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग 6:30 पे चालू कर दिया मैंने, जिनकी आदत ही नहीं है 6:30 पे ऑन करने की जूम मीटिंग। पता नहीं कौन से, इसमें भी अपना टाइम टेबल नहीं सेट कर सकते हो। अच्छी बात है, नुकसान हो रहा है, होगा। तो एक कैपेसिटर है जिसको बैटरी लगा के चार्ज कर दिया गया है। हम सब जानते हैं बैटरी जितने वोल्ट की होगी उतने वोल्ट से ही कैपेसिटर को चार्ज कर देती है। बैटरी वी वोल्ट की है तो कैपेसिटर की प्लेटों का भी पोटेंशियल डिफरेंस वी करके ही मानेगी। कैसे कर देती है पोटेंशियल डिफरेंस, कैसे मैनेज कर लेती है, इधर से इलेक्ट्रॉन निकाल के इधर डालती है, इधर से खींच के, तो एक प्लेट पॉजिटिव होती चली, जैसे दोनों प्लेट पहले सेम लेवल पे थी, उनका लेवल डिफरेंस 0 था, फिर एक प्लेट को पॉजिटिव करती जा रही है और एक को नेगेटिव करती जा रही है, तो इनके बीच का जैसे पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट 20 वोल्ट जितने की भी बैटरी होगी हो जाएगा, वो रुक जाएगा। सपोज करो इस पे क्यू चार्ज आ गया, क्यू। अच्छा फिर से बोल रहा हूं, यदि हम कैपेसिटर अरेंजमेंट में बात करें तो टोटल चार्ज स्टोर 0 होता है, क्योंकि तो जितना प्लेट प्लस इस पे होता है उतना ही इसमें माइनस होता है। लेकिन जब हम क्यू इक्वल टू सीवी लगाते हैं तो उसकी किसी एक प्लेट का चार्ज होता है, वो समझ में आया, उसकी एक प्लेट का चार्ज क्यू। अब आ जाइए इस क्वेश्चन को, उसने किस तरीके से पूछा है, क्या पूछा है, उसने पूछा है कि हम इसमें दो हरकत कर रहे हैं। एक मिनट में ये फिगर थोड़ा सेंटर पे लेके आता हूँ, थोड़ा सेंटर पे लेके आता हूं, कि एक कैपेसिटर है, ठीक है, उसको चार्ज कर दिया गया है वी वोल्ट की बैटरी से, ये वी वोल्ट की, तो हम सब जानते हैं उतनी वोल्ट से कैपेसिटर की प्लेटों का भी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया होगा, कुछ चार्ज आ गया होगा, ठीक है। बताइए इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, सी नॉट एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये इसका कैपेसिटेंस होगा, यदि ए एरिया और डी डिस्टेंस है तो ये इसका कैपेसिटेंस होगा। इसका चार्ज मैंने यहाँ शो कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस शो कर दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट होगी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट होगी। चलो अब आगे बढ़ रहा हूं, इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, उसने ये बोला है कि यदि मैं इस कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक घुसाने जा रहा हूं, वो ये कह रहा है ये एयर कैपेसिटर है और इस एयर कैपेसिटर में मैं डाइलेक्ट्रिक ठूसने जा रहा हूं, फुली डाइलेक्ट्रिक, लेकिन दो तरीके से। पहले डाइलेक्ट्रिक क्या किया, पहले बैटरी, देखो पहले बैटरी डिस्कनेक्ट की है, पहले बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, ठीक है, ये रही, देखिए पहले पहले बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, यानी तार काट दिया, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक डाला है, यानी डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, डाई इलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, ठीक है, आफ्टर द बैटरी डिस्कनेक्शन, आफ्टर द बैटरी डिस्कनेक्शन, इस शब्द को पढ़िए बार बार, आफ्टर द बैटरी डिस्कनेक्शन। दिखाई नहीं दे रहा पर सुनाई दे रहा होगा, जो मैंने थोड़ा छोटा इस जगह कुछ जगह छोटा लिखता हूं मैं, यहां बड़ा लिखूंगा जो मुझे फिजिक्स समझानी है। दो सिचुएशन इसके साथ डील करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो सही, पर आफ्टर द बैटरी डिस्कनेक्शन, पहले बैटरी डिस्कनेक्ट करेंगे, और इसमें एक ये वाला खेल खेलेंगे हम कि डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बट बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बट बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बट बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, ये दो सिचुएशंस आपको डील करनी है, और इन दोनों ही सिचुएशन में जो हम हरकत करेंगे वो रेस्पॉन्ड अलग अलग आएगा। देखिए इस सवाल को आप अच्छे से समझ सको उसके लिए मैं एक
एग्जाम्पल मैन्युपुलेट कर रहा हूं, ठीक है बेटा? आपको ध्यान है मैंने एक दिन एक कंटेनर बताया था कि सपोज करो ये कंटेनर है, उसमें मैं पानी भरूंगा, लेकिन ये मूवेबल दीवार है, मूवेबल ये वाली, इसको खिसका सकते हो, याद है? बताइए, और आपको इतना हिस्सा देखना है, सिर्फ इतना हिस्सा, इस दीवार को इधर खिसकाऊंगा तो इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी इस हिस्से की, ये दीवार को इधर खिसकाऊंगा तो, ठीक है? अब मैं क्या बताने जा रहा हूं कि सपोज करो इसमें एक सिचुएशन ये रही कि टोंटी लगी हुई है, ऐसी नल बनता है ना, नल मान लो ऐसे नल बना हुआ है, ठीक है? ये टोंटी है ना, टोंटी है जो पानी टैप वाटर जो आ रहा है, ये पानी इसको भर रही है, और सपोज करो इसमें सेंसर भी लगा हुआ है, सेंसर ये लगा हुआ है कि जैसे ही ये पूरी भर जाएगी बंद हो जाएगा अपने आप, आते हैं बेटा ऐसे सेंसर कि टंकी पानी की वेस्टेज को बचाने के लिए वहां पर पानी पर ना उसको सेंसर लगा लेते हैं, जैसे ही पानी उस सेंसर पे पहुंचता है ना मोटर अपने आप बंद हो जाती है। तो सपोज करो ये टोंटी है, जैसे ही पानी भरते 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 उसने उस टोंटी के लेवल को छुआ, मोटर बंद हो गई है ना, मोटर बंद हो गई। अब होप की मैं जो सिचुएशन बता रहा हूं वो समझ में आ रही है, एक तो ये है। अब इसमें जगह नहीं है, चलो कोई नहीं, अब आप ऐसे समझ रहा कि मैंने यहां से प्लग हटा दिया, मतलब एक मिनट, एक तो ये सिचुएशन है और एक सिचुएशन यहां, प्लीज समझना, ये वाली है, दो सिचुएशन दे रहा हूं, वहां पे जगह नहीं बची कि इसमें पानी भरा और टोंटी बंद ही कर दी, परमानेंटली बंद कर दी, उसमें टोंटी है, इसमें टोंटी, इसमें क्या किया, टंकी भर के, इतना कंटेनर भर के टोंटी उखाड़ दी मैंने, मान लो उसमें क्या है, जैसी लेवल नीचे आएगा, पता है लेवल नीचे आएगा क्या होगा, मोटर फिर चालू हो जाएगी अपने आप। भाई सेंसर से नीचे होती है बेटा, होटल में, बड़े बड़े होटलों में ये लगे रहते हैं, जैसे ही पानी यूज हुआ नीचे तो पानी नीचे आएगा, जैसे ही पानी नीचे आएगा क्या होगा, मोटर अपने आप चालू हो जाएगी, अपने आप चालू हो जाएगी, फिर भर देगी उसको। तो वहां ना टंकी खाली होती नहीं है कभी, तो जैसे ही पानी नीचे आएगा मोटर अपने आप चल जाएगी, और जैसे ही पानी ऊपर भरेगा मोटर अपने, मतलब एक ऑटोमेटिक मोटर है। तो एक सिचुएशन ये है जिसमें ऑटोमेटिक मोटर कनेक्टेड है, और एक सिचुएशन ये है कि मोटर ने बस एक बार टंकी भर दी, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, यदि इस केस में मैं इस वाली दीवार को इधर खिसकाता हूं, इस केस में, हाँ बिल्कुल ठीक, टीना ने एक बहुत सही बात बताई, शाबाश, अरे वाह, वेरी गुड। आरओ में भी तो होता है, आरओ में होता है या नहीं होता ये सेंसर, बिल्कुल ठीक, आप ऐसे ही मान लीजिए आरओ इस वाले, ठीक है ना, मतलब आरओ में सेंसर होता है कि नहीं, जैसे पानी आप निकालते हो लेवल डाउन होता है, घर मोटर चालू हो जाती है, वापस उसी लेवल को ले आती है, बिल्कुल ठीक। बस मैंने उस आरओ में एक चीज और ऐड कर दी, उस आरओ में एक चीज और ऐड कर दी कि मैं इस कंटेनर की दीवार इधर खिसकाऊंगा इसमें, अच्छा लेकिन आपको पता है ना आरओ की मोटर कब चालू होगी, जब आरओ इज प्लग्ड विद इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें आरओ इलेक्ट्रिसिटी के साथ प्लग्ड है, इसमें आरओ का बटन पावर स्विच निकाल दिया है, आरओ का पावर स्विच ऑन है, आरओ का पावर स्विच ऑफ है। अब देखिए इसमें एक चीज मुझे ये बताइए, यदि मैं इस कंटेनर की दीवार को इधर ले जाता हूं तो वाटर की वैल्यू पे क्या चेंज होगा बताओ, यदि मैं इस कंटेनर की, या पहले कैपेसिटी बताइए, कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, कैपेसिटी पे, इस वाले पे क्या फर्क पड़ेगा, यदि मैं इस दीवार को इधर खिसकाऊं तो कैपेसिटी तो बढ़ तो जाएगी, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बिल्कुल ठीक, अब बड़ा कंटेनर बन गया ये, लेकिन क्या पानी भर, पानी की वैल्यू बढ़ी इसमें, इस सिचुएशन में पानी की वैल्यू बढ़ी कि नहीं बढ़ी ये बताओ, क्या इस सिचुएशन में पानी की वैल्यू बढ़ी, नहीं, पानी नहीं बढ़ पाया, पानी तो एज इट इज रहा, पानी तो एज इट इज ही रहा, क्योंकि पानी बढ़ाने वाली जो मशीन है वो तो बंद कर रखी है आपने, तो आप पानी के लिए क्या लिखोगे, पानी विल रिमेन्स कॉन्स्टेंट, और इस लेवल पे क्या असर आ जाएगा, बोलो लेवल पे क्या असर आ जाएगा, इसमें लेवल कम हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में जब आपने कैपेसिटेंस बढ़ाया, जब आपने इस सिचुएशन में कैपेसिटेंस बढ़ाया तो कैपेसिटेंस बढ़ गया लेकिन पानी उतना ही रहा, उल्टा लेवल डाउन हो गया, ये हो गया। इसमें बोल सकते हो कि आपने कैपेसिटेंस बढ़ाया तो सही, लेकिन आपने पावर सप्लाई तो बंद कर रखी है, पावर सप्लाई तो है ही नहीं, बंद कर रखी है। अब इसमें पावर सप्लाई ऑन है,
पावर सप्लाई ऑन है। अब बताइए यदि मैं इस दीवार को इधर खिसका दूं, चीज वही कर रहा हूं, बस इसमें पावर सप्लाई ऑन है, इसमें पावर सप्लाई ऑफ थी, तो बताइए कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, इसमें कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा इसके कंटेनर की कैपेसिटी पे। यदि मैं इस दीवार को इधर खिसकाता हूं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, बिल्कुल कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अब आप बताइए, मुझे बताइए, मुझे पानी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ गया। अब पानी की वैल्यू बताइए, इसमें पावर सप्लाई ऑन है, इसमें पानी की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे एक्चुअली हुआ क्या होगा, मैं थोड़ा स्लो मोशन में समझाता हूं। जब आपने इसे खिसकाया होगा तो पल भर के लिए लेवल डाउन हुआ होगा, पल भर के लिए, पल भर के लिए, लेकिन क्योंकि जैसे ही पानी सेंसर से नीचे आया, पानी आरओ फिर से चालू हो कट और उसी लेवल पे लाके रोक देगा। तो मुझे बताइए पानी की वैल्यू बढ़ जाएगी, बस एक चीज बता दीजिए, लेवल पे क्या असर आएगा, लेवल, लेवल वापस उसी स्तर पे पहुंच जाएगा कॉन्स्टेंट। इतने को अलग रखना, ये जो है ना इसको अलग रखना, ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए तो फिर ये भी समझ जाओगे आप। ये वो सिचुएशन है जिसमें कंटेनर की कैपेसिटी आपने बढ़ाई लेकिन पावर सप्लाई तो हटा दी थी आपने पहले। ये वो सिचुएशन है जिसमें आपने कंटेनर की कैपेसिटी बढ़ाई लेकिन पावर सप्लाई ऑन थी। अब देखिए डायलैक्ट्रिक इसमें भी डलेगा, डायलैक्ट्रिक देखो इस वो कह रहा है डायलैक्ट्रिक इज इंसर्टेड, ये रहा कैपेसिटेंस और इसमें डायलैक्ट्रिक ठूस दिया, इसमें डायलैक्ट्रिक ठूसा लेकिन बैटरी कनेक्टेड है, समझिए बेटा। ये कह रहा है कि हम डायलैक्ट्रिक ठूसेंगे लेकिन ठूसने से पहले बैटरी डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो ये वाली सिचुएशन तो ये वाली हो गई। कैसे हो गई, क्योंकि इसमें पावर सप्लाई हटा दी है, पहले पावर सप्लाई, इसमें भी पावर सप्लाई हटा दी थी, आरओ का बटन बंद था, इसमें आरओ का बटन ऑन है। तो अब मुझे बताइए, सबसे पहले हम सब जानते हैं पहली चीज, जैसे ही हम इसे डायलैक्ट्रिक डालेंगे कैपेसिटेंस तो बढ़ जाएगा। डायलैक्ट्रिक हम मैं फुली डाल रहा हूं, इसमें स्लैब है, सुनो इसमें स्लैब है, कोई बात नहीं, मैंने डायलैक्ट्रिक फुली डाल दिया, फुल डालने पर आपको कुछ कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा दे दूंगा, स्लैब डालने पर भी रिजल्ट वही आएगा। देखिए जो मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले बताइए, अब जो इसकी कैपेसिटी है वो सी नॉट नहीं है, वो सी एम है, इसकी कैपेसिटेंस सी एम है। तो बताना सिंस सी एम इक्वल टू के सी नॉट होता है कि नहीं होता, सी एम की वैल्यू के सी नॉट होगी, दैट इज सी एम इंक्रीजेस के टाइम्स। अब भाई सी एम इक्वल टू के सी नॉट, पहले कैपेसिटेंस सी नॉट दी, उसमें के का मल्टीप्लाई हो गया और के की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, इसलिए मल्टीप्लाई भी बढ़िया वाला हो रहा है, तो सी एम बढ़ के आएगा, सी एम इज इंक्रीजेस, या यूं कहिए कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। आप ये कहोगे सी इंक्रीजेस के टाइम्स, दैट इज आप सी बोलेंगे कि कैपेसिटेंस बढ़ गया के टाइम्स। जल्दी बोलो ये लाइन, ये पहली बात समझ में आई नहीं आई इसमें, कि यदि कैपेसिटर में आप डायलैक्ट्रिक डालोगे तो वो एक बड़ा कंटेनर बन जाता है, कैपेसिटर में डायलैक्ट्रिक डालते हैं उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ये लाइन समझ में आई या नहीं आई, इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, जल्दी बोलो। अरे भगवान, अच्छा माइक से ऑन पूछ पाएगा, एक मिनट, तो फिर ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा मुझे। हाँ बेटा, किसको करें, इसने मैं अनम्यूट कर रहा हूं, एक मिनट, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के 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 के। हाँ बेटा चल बोल भैया, वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है बेटा, बोल भैया। मैं पूछ रहा था, जैसे आपने इसमें पूरा मीडियम कर दिया लेकिन आपने बताया था कि स्लैब के लिए और जब फुली मीडियम हो दोनों के लिए फॉर्मूले तो अलग अलग होते हैं। वेट वेट वेट, यही तो डाउट था ना। हाँ हाँ, वेट, माइक ऑफ कर ले, सब क्लियर कर दूंगा, ठीक। देखिए माइक ऑफ कर, अभी क्लियर करता हूँ, देखिए प्लीज सुनिएगा, मैंने ये फुली डायलैक्ट्रिक डाल के बता रहा हूँ। फुली डायलैक्ट्रिक डालने के बाद आपके पास ये लाइन एक्स्ट्रा लिखने को मिल गई कि कैपेसिटेंस इंक्रीजेस के टाइम्स। यदि सपोज करो मैं पार्शियल डायलैक्ट्रिक डालता हूँ, है ना, तो कैपेसिटेंस तो फिर भी बढ़ेगा ना, ये बताओ कैपेसिटेंस, क्योंकि मैंने एक दिन एक बात बताई थी कि कैपेसिटेंस में कूड़ा भी डाल दोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाए।
कैपेसिटर के बीच प्लेटों के बीच में कूड़ा भी डाल दोगे तो वो एयर कैपेसिटर से तो अच्छा हो जाएगा। बस इसमें और इसमें ये अंतर है। देखो सवाल तो ये पूछा है, शायद मैं पढ़ देता हूँ सवाल क्या पूछा है। 81 है पैरेलल प्लेट डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड, तो बस जो क्वेश्चन है उसमें स्लैब डाली है उसमें हम ये लिख के छोड़ देंगे बस कि कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, बस इतना लिख के छोड़ देंगे। लेकिन मैं फुली डाइलेक्ट्रिक डाल रहा हूं तो मुझे ये पता चल गया कि के टाइम्स बढ़ गया। तो ध्यान रखना कैपेसिटेंस तो दोनों ही सूरत में बढ़ाना। यदि आपके पास सवाल ये है तो आप केवल इतना आंसर दोगे जितना आप श्योर हो, जितना श्योर हो उतना आंसर दोगे। लेकिन यदि इतना है तो मैंने एक चीज और एक्स्ट्रा इसमें बता दी, ठीक है। तो याद रखिएगा मैं फुली डायलैक्ट्रिक डाल के बता रहा हूं। अब सुनो मेरी बात, होप कि आपको ये बात समझ में आ गई कि अच्छा ऐसे इसमें बात करते हैं, इसमें कैपेसिटेंस पे फॉर्मूला लगाते हैं। माइक बेटा क्या करूं, ऑफ करो बेटा, क्या कह रहा है बेटा, अच्छा अब आवाज दब गई है क्या मेरी, पहले से खराब आ रही है आवाज। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है बेटा, ये बताओ आवाज ठीक क्लियर। चलो अब देखिए इसमें बात करते हैं, इसमें आरओ को पावर सप्लाई मिली हुई है, ठीक है पावर, तो सी एम इक्वल टू के सी नॉट, दैट इज कैपेसिटेंस तो यहां भी बढ़ गया, और क्योंकि मैंने फुली डायलेक्ट्रिक समझा रहा हूं तो के टाइम्स बढ़ गया, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें उसमें स्लैब डाली है तो आप ऊपर वाली यानी सिर्फ इतना लिखोगे कैपेसिटेंस बढ़ गया। लेकिन अब सुनिए कैपेसिटेंस इसमें भी बढ़ा है, कैपेसिटेंस इसमें भी बढ़ा है, कंटेनर की कैपेसिटी इसमें भी बढ़ी थी, इसमें भी बढ़ी थी। जैसे ही आपने इस दीवार को इधर खिसकाया तो कैपेसिटेंस देखो, कैपेसिटी यहां भी बढ़ी, कैपेसिटी यहां भी बढ़ी। लेकिन आगे अंतर देखिए, बताइए क्या यहां पर चार्ज बढ़ पाएगा, क्या यहां पे चार्ज बढ़ पाएगा, सोच के बताइए अपनी बुद्धि। चार्ज बढ़ाने वाली जो बैटरी थी वो तो है ही नहीं है। आप ये बताइए क्या इस परिस्थिति में चार्ज बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा चार्ज। क्या इस वाले केस में पानी की वैल्यू बढ़ी थी, नहीं बढ़ी थी। इसमें चार्ज जादू से थोड़ी नहीं बढ़ जाएगा, ब्रुम 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 चार्ज बढ़ जा। अरे चार्ज बढ़ाने के लिए जो सप्लाई थी मोटर थी वो तो आपने हटा दी, मोटर तो हटा दी, तो इसमें जो क्यू रहेगा वो रहेगा एज इट इज सेम कॉन्स्टेंट। बोलो समझ में आया, इसमें क्यू कॉन्स्टेंट रहने वाला है और इसमें क्या कॉन्स्टेंट रहने वाला है बताओ, क्या कॉन्स्टेंट रहने वाला है इसमें, इधर एलएचएस में बताइए क्या कॉन्स्टेंट रहने वाला है इसमें, इस वाले फिगर को इससे मैच करो, क्या कॉन्स्टेंट इसमें, लेबल, लेबल का यहां पे क्या नाम है, पोटेंशियल डिफरेंस वी। एक्चुअली क्या हुआ था इसमें, इसमें क्या हुआ था इसमें आरओ वाले सीन में कि जैसे ही आपने इसका कैपेसिटेंस बढ़ाया पानी का लेवल नीचे आया होगा पल भर के लिए, लेकिन मोटर तो कंटिन्यू है ना, मोटर कंटिन्यू वापिस उसको भर देगी। तो यानी और नहीं तो इसके तरीके से समझिए जो मेरा डायलॉग है कि बैटरी जितने वोल्ट की होती है, बैटरी जितने वोल्ट की होती है उतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके ही मानती है, क्योंकि बैटरी वी वोल्ट की थी तो वो वी वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके मानेगी। इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली में हुआ होगा बारीकी से कम, लेकिन बैटरी लगी हुई थी, बैटरी ने वही पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर दिया। याद करो मेरा डायलॉग याद आ रहा है ना, बैटरी जितने वोल्ट की होती है उतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है, तो क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी उसी पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेगी। तो होप कि ये दो बातें समझ में आ गई कि कैपेसिटेंस दोनों केस में बढ़ा, इसमें भी दोनों केस में बढ़ा, पर इसमें चार्ज एज इट इज रहने वाला है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्यू इक्वल टू सी वी की इक्वेशन जो होती है, यदि दो चीजें आपको पता चल जाए तो तीसरी चीज के बारे में तो डिसीजन तो मिल ही जाएगा ना। तो तीसरा बताइए, फ्रॉम क्यू इक्वल टू सी वी, अब मुझे वी पे, ठीक है ना, तो वी का फॉर्मूला क्या हो गया, फ्रॉम वी का फॉर्मूला बताओ, क्यू इक्वल टू सी वी होता है ना, तो वी इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन सी। अब आप बुद्धि लगाइए, यहां बुद्धि लगाइए, हाँ बेटा है बेटा सब है ये वो, हाँ अब बताइए आप, क्योंकि Q को दिमाग लगा चुके हो, बताओ Q क्या है, Q कांस्टेंट है, बुद्धि लगाइए Q कांस्टेंट है लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ गया है, Q कांस्टेंट है लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ गया है, तो फ्रॉम V इक्वल टू Q अपॉन C वी फाइंड
बताइए वी डिक्रीजेस, पोटेंशियल घटेगा या नहीं घटेगा इस वाले में सोचिए। बताइए जब मैं इसको यूं ले जाऊंगा तो पानी एडेड रहा, लेवल तो कम हो गया था ना, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, क्योंकि मैंने स्लैब डाल के समझा रहा हूं। देख कन्हैया बेटा, यदि मैंने स्लैब डाली होती तो मैं आंसर लिखता वी घट गया, लेकिन क्योंकि मुझे क्लियर कट पता चल गया है कि सी के टाइम बड़ा है, सी के टाइम बड़ा है, ठीक है, तो वी डिक्रीजेस के टाइम्स। कैसे बेचारा, क्योंकि क्यू एडिट रहा और सी की वैल्यू के टाइम्स बढ़ गई, तो वी के टाइम्स घटेगा। तो फिर से सुनो सब लोग, सही क्वेश्चन जायज क्वेश्चन था कन्हैया का, यदि स्लैब होती जो कि एक्चुअल सवाल में है तो मैं यहां पर सिर्फ ये लिखता कि सी बढ़ गया, यहां लिखता क्यू कॉन्स्टेंट है, यहां लिखता वी घट गया बस। यहां तीसरी चीज, फ्रॉम क्यू इक्वल टू सी वी, बुद्धि लगाओ, सी और वी के बारे में आपको पता चल चुका है कि सी भर चुका है और वी एज इट इज है। बताइए बुद्धि लगाइए, वी एज इट इज रहा लेकिन वी से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो भर चुका है, तो बेटा क्यू की वैल्यू बढ़ेगी ना, क्यू इंक्रीजेस के टाइम्स, फ्रॉम क्यू इक्वल टू क्यू इंक्रीजेस, ये सेमी कॉलन ये लग रहा है, क्यू इंक्रीजेस के टाइम्स। और इस एग्जाम्पल को इससे फील करते रहो और इस एग्जाम्पल को इससे फील करते रहो। बताइए इसमें इसको खिसकाया तो कैपेसिटेंस बढ़ गया था है ना, लेबल एज इट इज कर दिया मोटर में तो पानी की वैल्यू तो बढ़ी, तो ये तीन चीजों पर डिसीजन आया। चौथा डिसीजन इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है वो, बेटा ई का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रॉम इक्वल टू वी अपॉन डी, होता है या नहीं होता फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, ये फॉर्मूला आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये फॉर्मूला आपने पेल के लगाया है कि ई की वैल्यू या ई नॉट जो लग रहा है, ई की वैल्यू ई लिख दूं मैं थोड़ी देर के लिए, बताइए इसमें जो ई होगा यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस वो वी अपॉन डी होगा, है ना। अब आप बताइए यही फॉर्मूला मैं यहां लगा रहा हूं, इक्वल टू वी अपॉन डी, प्लेटों को हमने नहीं छेड़ा है, प्लेटों को हमने नहीं छेड़ा है, तो डी एज इट इज रहा है, वी का डिसीजन ऊपर आ चुका है, तो अब आप बताइए, बताइए फ्रॉम ई इक्वल टू वी अपॉन डी, सिंस वी डिक्रीजेस के टाइम्स, तो ई क्या लगाऊं, डिक्रीजेस इंक्रीजेस, डिक्रीजेस इंक्रीजेस, जल्दी बोलो घटेगा या बढ़ेगा, ये घटेगा, ई डिक्रीजेस कितना के टाइम्स। कैसे पहचाना, क्योंकि भाई साहब ये घट चुके, ठीक है चलिए अब आ जाओ यहां पर, फ्रॉम ई इक्वल टू वी अपॉन डी, बुद्धि लगाइए यहां पे ई इक्वल टू वी अपॉन डी, बताइए डी तो हमने छेड़ा ही नहीं है और वी एज इट इज रहा है, वी एज इट इज रहा है, तो आपको पता चल गया कि इस वाली सिचुएशन में ई कॉन्स्टेंट रहने वाला है। और पांचवी चीज एनर्जी, एक चीज और पूछी है कि बताइए इसमें एनर्जी में क्या अंतर आएगा, इसमें एनर्जी में, तो एनर्जी के तो तीन तीन फॉर्मूले हैं, हाफ क्यू बी, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, हाफ सी बी स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला लो। अच्छा एक मिनट मैं एक चीज बताता हूं, सब पोटेंशियल एनर्जी के तीनों फॉर्मूले इक्वली वैलिड है। अब सपोज करो मैंने यहां पर हाफ सी बी स्क्वायर का फॉर्मूला चुना, मैं अब आपको ट्रिक वो भी बताता हूं कि क्या सोचना चाहिए, कि आपने इसके लिए ये वाला फॉर्मूला चुना तो पता है यहां पर क्या होगा, आंसर तो ये भी निकाल देगा। बताइए यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, हाफ सी बी स्क्वायर, यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ सी डैश बी डैश स्क्वायर, बताओ सी की वैल्यू के टाइम्स बढ़ गई है, सी के टाइम्स बढ़ गया है और वी के टाइम्स घट गया है, लेकिन वी पर स्क्वायर है, यानी इस पूरे फंक्शन में इसका इफेक्ट के टाइम्स बढ़ना होगा, है ना, और इसका इफेक्ट के टाइम्स दुगना घटना होगा क्योंकि स्क्वायर है भाई। ये चाहेगा, ये फैक्टर चाहेगा मैं यू बढ़ा दूं और ये चाहेगा कि मैं यू घटा दूं, लेकिन उसमें स्क्वायर है, तो पता है इस वाले फॉर्मूले में आपको सी पर भी बुद्धि खर्च करनी पड़ी और वी पर भी। अच्छा फाइनली ये बताइए कि फाइनली यू कितना आया, यू के टाइम्स घट गया है ना, लेकिन जब आपने दोनों पे बुद्धि खर्च करी, बजाय उसके आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो ना, हाफ क्यू बी, क्यों मेरा दिल इस पे क्यों आया, इसीलिए आया कि कम से कम क्यू पे बुद्धि नहीं लगानी मुझे, बेटा मुझे क्यू पे बुद्धि नहीं लगानी, लगानी है क्या क्यू पे बुद्धि, लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि क्यू इस सवाल में बदला ही नहीं है, तो बुद्धि सिर्फ आपको किसमें खर्च करनी है,
यार हाफ एज इट इज रहा, क्यू एज इट इज रहा, ठीक है। तो अब बताइए यहां लिखूं मैं, सिंस बेटा लिख लेना, सिंस क्यू तो कॉन्स्टेंट है एंड वी डिक्रीज हो गया है के टाइम्स, है ना, क्यू कॉन्स्टेंट है वी डिक्रीज हो गया है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी घट गई के टाइम्स। तो बताइए उस पर डिसीजन लेना आसान रहा या इस पर डिसीजन लेना आसान रहा, इस पर डिसीजन लेना आसान रहा या इस पे? आंसर दोनों सेम आए, इससे भी लेकिन आप चुनिए कि किस बॉल पे कौन सा शॉट खेलना चाहिए, किस बॉल पे कौन सा शॉट खेलना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए इसमें भी मैं हाफ क्यू भी चुन लेता हूं, बताइए फ्रॉम यू इक्वल टू हाफ क्यू भी लगाइए, इसमें मैंने क्यू चुना, इसमें वी कॉन्स्टेंट है, देखो हमें वी पे बुद्धि नहीं खर्च करनी, जितना भी पहले था उतना भी अब भी है, V जितना पहले था V अब भी उतना ही है, लेकिन हाँ उसके और इसके कंपैरिजन में Q बढ़ गया है, Q बढ़ गया है ना K टाइम्स, तो क्या लिखोगे, सिंस थोड़ा Q बढ़ गया है एंड V सेम रहा कांस्टेंट, तो इसीलिए दिख रहा है ना पोटेंशियल एनर्जी इसमें भर जाएगी K टाइम्स। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा पहले, फिर मैं आपसे बात करता हूं, कोई डाउट हो तो माइक ऑन करवा दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको घर पे एक बार रिवाइज करिएगा, मैंने ऐसे इस पे 3 स्टार नहीं मारे, ऐसे इस पे 3 स्टार नहीं मारा हुआ, कुछ तो बात है इसमें, ये बहुत पूछा जाता है सवाल। टिक टिक 1 2 3 4 5 अब जल्दी से बेटा, कौन चाहता है कि मैं माइक ऑन कर दूं, कोई चाहता है कि माइक ऑन कर दूं तो मैं एक बार और मौका दे रहा हूं, सर 4 होना एग्जाम में भी, हाँ हाँ ऐसे ही करके आना है, एनी पॉइंट इसको उठा दे, मेरा नुकसान हो गया बेटा चौका, एक मिनट रुको, हाँ बेटा एक मिनट, आपने क्या मैसेज टाइप किया वो नहीं आए, दोबारा टाइप करो, माइक ऑन करना है किसी का, जल्दी बोलो, हाँ स्टार 4 होना चाहिए, अच्छा 4 स्टार, एक मिनट में इसको पॉज। चलिए क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एक एग्जांपल कि एक कैपेसिटर है, ठीक है ये कैपेसिटर है, क्वेश्चन ये है कि लेट अ वेरी थिन मेटल प्लेट, लेट अ वेरी थिन मेटल प्लेट इज इंसर्टेड, लेट अ वेरी थिन प्लेट इज इंसर्टेड इन बिटवीन प्लेट्स, सॉरी इन बिटवीन प्लेट्स, क्वेश्चन अगेन आई एम रिपीटिंग कि एक कैपेसिटर है उसमें एक प्लेट और घुसेर दिए, ठीक है ठीक है, लेट अ वेरी थिन प्लेट इज इंसर्टेड इन बिटवीन द प्लेट, सिचुएशन ये है बेटा, ये रही ऊपर वाला कैपेसिटर और समवेयर इसमें एक प्लेट और डाल दिए, जो मैंने डॉट 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 दिखा दिया मतलब एक एडिशनल प्लेट, अब सवाल ये है कि इस अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस क्या होगा, क्वेश्चन ये है कि यदि इसका कैपेसिटेंस कुछ है, कुछ है तो इसका कैपेसिटेंस इससे भर जाएगा या घट जाएगा, ध्यान रखना कि लेट अ वेरी थिन मेटल प्लेट इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, भले ही मैंने एक चीज बोली है कुछ देर पहले भी बोली थी पहले की, प्लेट के बीच में यदि आप कूड़ा भी डाल दोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ठीक है मैंने बोला है, लेकिन लेकिन थोड़ा सा सिचुएशन समझिए कि मैंने देखो मैंने भी ये बताया है कि कंडक्टर भी डालने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, सुनो मैंने भी ये बताया, विद प्रूफ बताया कि कंडक्टर की स्लैब डाल दोगे, बेटा एक मिनट ध्यान रखना, कंडक्टर की स्लैब डाल दी होती तो भी कैपेसिटेंस बढ़ जाता, डायलैक्ट्रिक की स्लैब डाल दो तो भी बढ़ जाता, बस इस बार ये है कि कंडक्टिंग स्लैब ना होके एक कंडक्टिंग प्लेट डाल दिए बस, यानी इसकी थिकनेस कितनी मान सकते हो आप, 0, तो ये मेटल प्लेट है जिसकी थिकनेस सवाल के अकॉर्डिंग 0 माननी है, तो बताइए अब कैपेसिटेंस पे क्या असर होगा, योर टाइम स्टार्ट नाउ, ऑन करके इसे फटाफट समझा देता हूं। हाँ देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन ऐसे करेंगे कि भैया जब किसी कैपेसिटर में, ठीक है ये किसी कैपेसिटर में
जब हम कुछ भी डाल दें तो कैपेसिटेंस हो जाता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, कुछ भी डाल दो तो ये हो जाता है कैपेसिटेंस, कुछ भी डाल दो। अब क्योंकि तुमने कंडक्टर डाला है, क्योंकि कंडक्टर डाला है तो के की वैल्यू इनफाइनाइट डालेंगे फॉर कंडक्टर के इनफाइनाइट, तो जैसे ही के इनफाइनाइट डालूंगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा और सी बराबर बचेगा एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, सिर्फ इतना बचेगा। इसको नंबर दे दिया इक्वेशन टू। अब कंडक्टर डाला है साथ में, थिकनेस टेंस टू जीरो है, थिकनेस जीरो जा रही है इसकी, तो जब अब इसमें थिकनेस को जीरो डाल दो, तो जब थिकनेस को जीरो डाल दोगे तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, वही बचेगा यानी पुराना वाला कैपेसिटेंस सेम आया यानी। लेकिन फिर भी एक और तरीका है, वो भी जानिए प्लीज, वो इससे बेकार तरीका है, नो डाउट बेकार तरीका है, लेकिन उससे जो एक कॉन्सेप्ट मिलेगा वो बहुत अच्छा है। देखिए सपोज करो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थी, सब लोग सुनिएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थी है ना, अब ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट थी, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट थी, अब इनकी बीच में एक मेटल प्लेट और डाल दी, तो क्योंकि ये इनसे टच नहीं हो रही, नॉट टचिंग ओनली सीन, तो एक ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये उतना ही प्लस आ जाएगा। ये समझ में आया है नहीं कि ये जो आपने कंडक्टिंग प्लेट घुसाई है तो इंडक्शन से, और क्योंकि मेटल 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 है तो जितना इस पे आएगा उतना ही माइनस क्यू इस पे आएगा, उतना ही प्लस क्यू इधर आएगा ये चार्ज। तो अब आप बताइए, पता इससे क्या होगा, एक कल जो सवाल कराया था एक कैपेसिटर तो ये बन गया और एक कैपेसिटर ये बन गया, बनाया नहीं बना, एक कैपेसिटर ये बन गया और एक कैपेसिटर ये बन गया, एक कैपेसिटर ये बन गया, एक कैपेसिटर ये बन गया। अब ये दो कैपेसिटर है C1 C2, और माना ये डिस्टेंस मैंने सपोज करो ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस x मान ली, ये डिस्टेंस मैंने x मान ली, तो ये डिस्टेंस d माइनस x होगी। बोलो भाई ये डिस्टेंस यदि x मान ली तो ये डिस्टेंस d माइनस x होगी, तो C1 की वैल्यू कितनी हो गई एप्सिलॉन नॉट a अपॉन x, और C2 की वैल्यू हो गई एप्सिलॉन नॉट a d माइनस x। पहले जल्दी बताओ हुई या नहीं हुई, मेटल प्लेट डाली तो ये एक अलग कैपेसिटर बन गया, ये एक अलग कैपेसिटर बन गया, इस कैपेसिटर में ये वाला फॉर्मूला जब मैं लगाऊंगा तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन एक्स लगेगा, ठीक है, और मीटिंग जाने वाली है। हाँ इस सवाल को दूसरे अंदाज से जो बता रहा था आप उसे फील करिए, वो लंबा तरीका है नो डाउट, करना पेपर में इससे पहले वाला ही है। तो जैसी प्लेट डाली इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव आ गया, एक कैपेसिटर ये बन गया ये बन गया, तो इस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी लगाएंगे, पर डी की वैल्यू है एक्स, इसके लिए भी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी लगाएंगे, पर अब ये डी माइनस एक्स। अब बताइए ये दोनों कैपेसिटर आपस में किस रूप में कनेक्टेड है, सीरीज पैरेलल या इन दोनों में से कुछ नहीं, बता चुका हूं मैं ये, इन दोनों कैपेसिटरों का अरेंजमेंट किस रूप में मानेंगे, जी हाँ ये सीरीज में, जब एक कैपेसिटर की प्लेट का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड हो तो उसे सीरीज बोलते हैं, ठीक है, तो ये सीरीज में, तो मुझे बताइए, तो इसीलिए फ्रॉम वन अपॉन सी एस इक्वल टू सी वन अपॉन ये वाला लगा रहा हूं मैं। अच्छा आप कहोगे सर दो के लिए वो लगा दो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, इस बार वो लंबा पड़ेगा क्योंकि वैल्यूज में नहीं है ना, तो बताइए वन अपॉन सी एस इक्वल टू वन अपॉन C1 करोगे तो क्या आएगा, एक्स ऊपर जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, इसमें डी माइनस एक्स एप्सिलॉन नॉट ए ये लगेगा, थैंक गॉड न्यूमरेटर एक जैसा है, तो सॉल्व हो गया ये डी एप्सिलॉन नॉट ए ये वन अपॉन सी एस, तो सी एस की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई ये, ठीक है जल्दी से नोट करो इसको, यानी नया कैपेसिटेंस वही था एज इट इज था, पुराना जैसा ही था, यदि एक जीरो थिकनेस की या बहुत पतली सी थिकनेस की आप प्लेट डालते हो, तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो चलिए एक क्वेश्चन कराता हूं मैं, यदि ये फिगर दिमाग में घुस गया कि ये दो कैपेसिटर हैं और ये दोनों 1/1 सीरीज में कनेक्टेड है, तो एक और सवाल के लिए तैयार हो जाओ अब आप। क्वेश्चन देखिए, वो है बेटा, अब इसका स्क्रीनशॉट जिसने ले लिया हो भेज देना मुझे। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगला एग्जाम्पल बेटा आपके सामने ये कैपेसिटर दे रखा है, इसमें
इसमें तीन डायलैक्ट्रिक बराबर बराबर लेवल के, देखो एक ये डायलैक्ट्रिक डाल दिया यू, ये रहा बेटा डायलैक्ट्रिक, ठीक है तीन डायलैक्ट्रिक डाल दिए, तीन, एक ये डायलैक्ट्रिक और एक ये वाला डायलैक्ट्रिक डाल दिया, अब आपको तो कलर अलग दिखेंगे नहीं, ठीक है तीन और एक ये डायलैक्ट, ये तीन डायलैक्ट्रिक डाल दिए, मैं फिर भी लाइनें मार देता हूं इस पर जिससे आपको ये समझ में आ जाए, ये लाइनें मार दी मैंने कि यहां से यहां तक डायलैक्ट्रिक K1 है, यहां से यहां तक डायलैक्ट्रिक K2 है और यहां K3 है, ये तीन डायलैक्ट्रिक डाल दिए है इन प्लेटों पर, ये इन तीन प्लेटों के बीच में, दिस इज प्लेट ए दिस इज प्लेट बी, तीन बराबर बराबर पार्टीशन करके ये डाल दिए। तो अब इस अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस आपको निकालना है, इस अरेंजमेंट का, ये कल की तरह नहीं है क्वेश्चन, कल क्वेश्चन ये था बेटा, आप यदि कल से मैच कर रहे हो तो कल क्वेश्चन ये था एक दो तीन ऐसे डायलैक्ट्रिक डाले थे बेटा, याद करो कल डायलैक्ट्रिक ऐसे डाले थे, यानी हर डायलैक्ट्रिक ने वन थर्ड एरिया ऑक्यूपाई किया था, कल डायलैक्ट्रिक डाले थे तो हर डायलैक्ट्रिक ने वन थर्ड एरिया ऑक्यूपाई किया था, लेकिन डिस्टेंस सबकी सेम थी, आज एरिया सेम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जो डिस्टेंस है वो d/3 हो रही है, अंतर है बेटा, ये कल ये था आज ये है। तो बताइए पहले इतना कैपेसिटेंस निकालते हैं, इतने कैपेसिटेंस को C1 बोल देते हैं, इसको C2 बोल देते हैं, इसको C3, तो C1 की वैल्यू कितनी होगी, फ्रॉम एक फॉर्मूला है ना, फ्रॉम सी एम इक्वल टू के एफ सेवन नॉट ए अपॉन डी, तो जो C1 होगा इतना कैपेसिटेंस जो होगा वो कितना होगा, K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया वही, लेकिन D की जगह d/3 लिखना पड़ेगा, और ये समझदार हो कि इतने कैपेसिटेंस में d/3 क्यों आ रहा है, तो ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 3K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। फिर बड़ा ही सिंपल शब्द बहुत मदद करने वाला, सिमिलरली जो C2 आएगा 3K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आएगा, और C3 जो आएगा जो कितने हिस्से का कैपेसिटेंस आएगा 3K3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब ये कैपेसिटर आपस में किस रूप में कनेक्टेड है ये बताइए, अभी अभी सवाल की देखो, ये भी एक प्लेट, फिर यहां इंडक्शन से यहां भी चार्ज आएगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव आएगा है ना, डायलैक्ट्रिक में भी आ जाता है, ठीक है फिर वो इसका नेगेटिव, देखो इस धारी इस लाइन को देखिएगा, इस लाइन को फील करिएगा, डायलैक्ट्रिक पे भी चार्जिंग डेवलप, इंसुलेटर पे भी इंडक्शन हो जाता है, डायलैक्ट्रिक इज जस्ट अनदर नेम ऑफ इंसुलेटर, और इंसुलेटर पे भी इंडक्शन आ जाता है, ठीक है तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव आएगा, फिर इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, और जब इस तरीके से कंटिन्यूटी में कनेक्ट होते हैं तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। तो पहले तो आप कल के सवाल और इस सवाल में अंतर समझिएगा कि कल किस तरीके से डायलैक्ट्रिक डिवाइड किया था, एज C1 C2 एंड C3 आर इन सीरीज, फिर आगे आप कर ही लोगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे आप कर ही लोगे, इतना नहीं करा रहा मैं, आगे करो नोट, डन, स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आगे देखिए, बेटा पूरे केवल नहीं बेटा, वेदर पे देख, आपको ध्यान है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, और जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, सुनो बेटा पूरे पे नहीं आएगा, तो ये किनारों पे ही तो आया था, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को जब यहां रखा तो पोलराइजेशन हो गया था, जिसकी वजह से ये सीन हो जाएगा। अच्छा मैं बताता हूं डायलैक्ट्रिक के अंदर क्या होता है, देखो सपोज करो ये डायलैक्ट्रिक स्लैब है, सुनो बेटा सब लोग, चलो जब ये क्वेश्चन, तो पता है क्या होगा, इसके अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, सपोज करो ये एक ऐसे करके सजे हुए हैं, ठीक है नॉन पोलर मॉलिक्यूल सजे हुए हैं, ये वाले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करके सजे हुए हैं, ये कंडक्टिंग स्लैब नहीं है, ये कौन सी स्लैब है, डायलैक्ट्रिक स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब में, अच्छा यदि मैं कंडक्टिंग स्लैब बनाऊंगा तो ये दिखाता, ये कौन है बेटा धब्बे, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये डायलैक्ट्रिक स्लैब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ये कंडक्टिंग स्लैब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी फिजिक्स में पढ़ा चुका हूं, अब जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे
सुनो बेटा, ये एक कैपेसिटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं मैं, आप सब लोग ध्यान से सुनना, इसको उठा के जब मैं यहां रखूंगा इस स्लैब को, तो एक एक मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाएगा, ये भी पोलराइज, ये भी पोलराइज, समझ गए? जैसे मैंने यहां एक सिखाया था कि जैसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो पोलराइज हो गया था, अब इस स्लैब को रखूंगा तो पता है इसको देखो, ये मॉलिक्यूल की ऐसे हो गया, थोड़ा छोटा बनाऊंगा, थोड़ा बड़ा कर दो, सुनो नहीं तो समझ नहीं पाओगे, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं ये ऐसे, ताकि मैं समझा पाऊं, और ये रही नेगेटिवली। वैदव इतना समझ में आया कि मैंने एक डायलैक्ट्रिक स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूं, तो इस मॉलिक्यूल खिंच जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, फिर ये मॉलिक्यूल खिंच जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, और ये मॉलिक्यूल भी खिंच जाएगा। ये सबको समझ में आया है नहीं आया? ऐसा सबके साथ होगा, सभी मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाएंगे, सभी मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाएंगे, तो पता है इसका ये होगा असली हरकत। तो उसको हम ऐसे मान सकते हैं कि देखिए ये नेगेटिव यहां आ गया, ये नेगेटिव यहां आ गया, ये नेगेटिव, ये प्लस इस माइनस से कैंसिल हो गया, ये प्लस इस माइनस से कैंसिल हो गया। तो अब आप बताइए इक्विवेलेंटली हुआ क्या? इक्विवेलेंटली बेटा सब लोग समझिए, जब हम डायलैक्ट्रिक स्लैब अंदर रखते हैं तो डायलैक्ट्रिक पर भी ये नेगेटिव नेगेटिव जनरेट हो जाता है, और ये पॉजिटिव 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 इसमें भी जनरेट हो जाता है, पर ये ईट का जवाब कंकड़ी से देंगे और ये ईट का जवाब ईट से देंगे। अभी फिजिक्स समझ में आई क्या होता है? ये समझ में आई कि डायलैक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो अंदर उन पर क्या फील, जब डायलैक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो उसके अंदर के सभी मॉलिक्यूल पोलराइज होंगे, सभी मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाएंगे, और इसमें पोलराइजेशन नहीं होता, इसमें तो मूवमेंट चालू हो जाता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है, मूव करते हैं, जब तक ईट का जवाब ईट से नहीं दे देंगे, ठीक है? तो होप आपको यह समझ में आया होगा, ठीक है? चलिए इसको पूरा कर लीजिएगा, आप आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, अभी कितना टाइम हुआ? एक मिनट, 10 मिनट है, तो चलो कोई नहीं, मैं अब आपको एक, पहले बताओ आपको कोई डाउट पूछना है? आपको कोई डाउट पूछना है? नहीं तो फिर मैं एक कॉन्सेप्ट देता हूं। एरिया इस सवाल में कम नहीं हुआ था माधव, इस सवाल में एरिया कम नहीं हुआ, कौन सा है? देखो बेटा मुझे समझ नहीं आता कि देखो ये रही प्लेट, देखो एक मिनट एक मिनट एक मिनट सुनो सब लोग, एक चीज और सुनो, ये रहा मैंने डायलैक्ट्रिक डाल दी, यही तो आपने फिगर देखा, पता है आपको इसे 3D में कैसे फील करना है? प्लेटों को तो 3D में फील करना मैंने सिखा दिया। ये रही प्लेट, सुन बेटा ये रही प्लेट, आपसे कहा है ना पेपर में ये बनाना नहीं है, ये लाइन नहीं होती, ये लाइन चार्ज नहीं होता, ये लाइन चार्ज नहीं होता, ये सरफेस चार्ज होता है, और ये बात मैंने पता नहीं कितनी बार बता दी होगी, पहले बताओ, ये बात तो मैं बता चुका हूं ना कि ये प्लेट ऐसे सोचनी है, अब डायलैक्ट्रिक स्लैब कैसे सोचनी है? आपने ये जो खींचा ये 2D व्यू है, डायलैक्ट्रिक स्लैब ऐसे सोचनी होती है बेटा, उसमें भी एरिया होता है, ऐसे सोचनी होती है, और आपके सिलेबस में ये डायलैक्ट्रिक स्लैब है, और आपके सिलेबस में जो डायलैक्ट्रिक स्लैब है उसका एरिया और ये एरिया बराबर है, समझ में आ गया? ये वाला और ये वाला एरिया बराबर है, ये अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन वो टफ हो जाएगी आपकी सिचुएशन और कंपटीशन में पूछा जाता है, फिलहाल आपके लिए ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर है। तो डायलैक्ट्रिक स्लैब भी 3D ही फील करिए आप, और आपके सिलेबस में ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर लेना है। मैं कुछ समझा पा रहा हूं बेटा माधव या बाकियों को? कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, ये चीज हम, पहले मुझे बताइए, मैं आपके डाउट शाम को बता दूं, अभी अपनी चीज पढ़ा दूं? आप, मुझे नहीं लगता अब आपके डाउट शाम को बता दूंगा, मैं अपना एक नया कॉन्सेप्ट बता दूं। अब आप सोच रहे होंगे कि अब सर के पास बताने को क्या है? सीरियसली मेरे पास बताने को कुछ भी नहीं है सिवाय एक चीज के, वो है ग्राफ। मैंने अभी तक जब से पढ़ा रहा हूं ग्राफ के बारे में कोई क्वेश्चन ही नहीं डिस्कस किया, और मैंने हर बार टाला है कि बाद में बताऊंगा बाद में, क्योंकि मैं अब एक ग्राफ को परमानेंटली कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग सिर्फ इतनी सुन लो, इतनी समझ लो सब लोग, उस दिन भी समझाया था, उस दिन भी समझाया था, हरिन ने पूछा था,
इसकी सिर्फ डेफिनेशन है, सब अलग अलग फीस दे रहे हैं तो सब अलग अलग पूछेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्ड माने होता है ढाल, ढाल माने अपने को बचाना, तलवार लेते हैं ढाल लेते हैं, तलवार चलाने के लिए ढाल से किसी और की तलवार के वार से बचने के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के वार से बचने के लिए। तो जा एक ऐसा ऐसा जुगाड़ हम बनाते हैं जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड के वार से बच जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रहार से बच जाएं, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। और हम एक चीज जानते हैं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो हम कंडक्टर की, या जैसे कैपेसिटर है बेटा, बताइए यदि कैपेसिटर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कन्फाइंड हो जाता है, पैक हो जाता है। लेकिन इसके, सुनो बेटा सुनो एक चीज बताता हूँ, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सॉरी उल्टा बोल गया, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बाहर नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करो कैलकुलेशन, याद करो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता था। ये भी फिजिक्स में ये भी सोचना पड़ता है कि साला हमने एक ऐसा अरेंजमेंट बना लिया कि बाहर लोगों को भी करंट लग रही है, बाहर के लोगों को भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। कैपेसिटर में इतनी बात याद रखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर है, बाहर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। यदि मैंने कैपेसिटर पकड़ लिया है तो उसके बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो आप यदि कोई कंडक्टर है, सुनो ये कंडक्टर है और पैक कर दिया कंडक्टर, इस यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई होगा। यदि मैं इसको चार्ज बाहर से टपका भी, सपोज करो स्पार्किंग हुई, बादल है गड़गड़ाए यू करके स्पार्किंग हुई और उसने ऐसे करके चार्ज डेवलप कर दिया, तो आप अंदर तो फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। दिस इज सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, सच अरेंजमेंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसीलिए मैंने एक दिन बताया था ना, कार के अंदर बैठा रहना ज्यादा सेफ होता है। अब तीन दिन बाद फिर पूछोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है ना, तीन दिन बाद फिर पूछना है ना। एक्चुअली एक चीज याद आ रही है, एक्चुअली मुझे कुछ बच्चों रहने दो हैं। एक बार एक लड़का, नहीं बताई दू, एक लड़का था थोड़ा वो पागल था, हमारी आपकी उम्र का ही होगा ठीक है ना, तो वो पागल था है ना ये। उससे अब आपसे पूछो कि आप क्या बनोगे, तो कोई बताएगा डॉक्टर बनूंगा, कोई कहेगा इंजीनियर बनूंगा है ना। अरे हम में से कई लोग तो प्लम्बर और पिज्जा बॉय बनना चाह रहे होंगे, आजकल साला कैरियर भी चेंज है नी, कि उन्हें लगता है कि प्लम्बर और पिज्जा बॉय बनने में ज्यादा फायदा है। चलो कोई नहीं, तो वो लड़का क्या कहता था कि वो, उससे पूछो तू क्या बनेगा, तो वो ये बताता था, मैं बड़े होके गुलेल बनाऊंगा चिड़ियों को मारूंगा, बड़े होके गुलेल बनाऊंगा चिड़ियों को मारूंगा, गुलेल बनाऊंगा चिड़ियों, अजीब सा कैरियर बताता है वो। उसके पिताजी बड़े परेशान, कोई भी पूछता बेटा बड़े होके क्या बनोगे, अंकल मैं बड़े होके ना गुलेल बनाऊंगा चिड़ियों को मारूंगा, गुलेल बनाऊंगा चिड़ियों को मारूंगा। अब पापा दे उसका इलाज कराना, भाई मम्मी पापा को तो सबसे ज्यादा चिंता होती है। उसको पागल खाने भेजा, ट्रीटमेंट हुआ, इलाज होता है बेटा पागल बने का भी, ट्रीटमेंट हुआ, डॉक्टरों को लगा अब ये ठीक हो गया है कि सर आप ले जाइए अपने बच्चे को, ये ठीक हो चुका है। अब पापा गए तो पापा पहले चेक करेंगे ना, बेटा तू बड़े होके क्या बनेगा, पापा मैं बड़े होके डॉक्टर बनूंगा, सीन चेंज। अरे वाह पापा खुश, पापा खुश हो गए ठीक है। अच्छा डॉक्टर बन के क्या करेगा, पापा मैं अपनी डिस्पेंसरी खोलूंगा, अपनी अपना हॉस्पिटल खोलूंगा। वेरी गुड पापा खुश, क्यों, पापा उससे कमाई होगी, बहुत पैसा कमाऊंगा मैं। अब पापा को लगा कि ये नॉर्मल हो गया है, क्योंकि अब पैसे की बात कर रहा है, अर्निंग की बात कर रहा है, बाकी लोगों की तरह डॉक्टर इंजीनियर जैसे खाब हो गए इसके। बेटा उसके बाद क्या करेगा, पापा कंफर्म कर रहे थे, पापा जब मैं पैसा कमाऊंगा ना तो अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे मेरे पास, अच्छी अच्छी लड़की आएंगी, फिर मैं शादी करूंगा। हाँ बेटा वेरी गुड, एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर रहे, वेरी गुड। फिर क्या करेगा, पापा हम फिर रिसेप्शन, एक फंक्शन करें, फंक्शन मतलब रिसेप्शन देंगे शादी का। हाँ वेरी गुड, फिर सब लोग गिफ्ट लेके आएंगे। पापा और कुछ, इतना अच्छा सोच रहा है, बनिए की तरह भी सोच रहा है, पर पापा पापा ना मैं गिफ्ट वापस कर दूंगा। उन्हें लगा कि आज का डेट का जनरेशन का लड़का है, दहेज नहीं लेना या गिफ्ट नहीं, पापा मैं उनके गिफ्ट वापस कर दूंगा और उनसे कहूंगा मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे अंडरवियर लेके आओ। अब पापा कंफ्यूज, अंडरवियर, हाँ मैं उनसे कहूंगा अंडरवियर लेके आओ मेरे लिए। क्या करेगा अंडरवियर का, इतने सारे अंडरवियर का, मैं ना उस अंडरवियर में से इलास्टिक निकालूंगा, इलास्टिक निकालूंगा, गुलेल बनाऊंगा, चिड़ियों को मारूंगा। उसका पागलपन इस लेवल तक पहुंच गया। तो लॉर्ड विरगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बता दो, मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बता दो,
हर 3 दिन बाद मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बता दो। इतने जोक कहां से लाते हो आप? अब बेटा कई लोगों को यह लगता है कि मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लाता हूं, पर यदि आपको ये व्हाट्सएप, बेटा आप एक चीज सुनना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी तो कहीं से जोक आते होंगे, व्हाट्सएप ठीक है कहीं से तो आते होंगे ना। अब आप बाकी इधर देखिए, अब आप गुलेल बनाऊंगा चिड़ियों को मारूंगा, गुलेल बनाऊंगा चिड़ियों को मारूंगा, ठीक है एक बार और बता दो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। चलिए अब आगे बढ़ता हूं, मेरा टाइम, वैसे मैं आज ग्राफ बताने के मूड में था और ग्राफ बताने के लिए कम से कम मुझे 35 मिनट एक पूरी मीटिंग चाहिए, क्योंकि मैं, पता है बेस, मैं पर्सनली बता रहा हूं, तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज कर देता हूं मैं। अब जब ग्राफ पढ़ाऊंगा तो नीचे से बेस बना के लाऊंगा, और मेरा उद्देश्य यह होता है कि जब मैंने एक बार ग्राफ पढ़ा दिया तो अब ग्राफ में बच्चे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए उसके पूरा, क्योंकि मैं ये मान के भी तो पढ़ा रहा हूं ना कि आपने 11th में कुछ नहीं पढ़ा, मैं ये मान के भी पढ़ाता हूं कि आपने 11th में कुछ नहीं पढ़ा, आप 11th में बिल्कुल कंजड़े हो गए आए हो। तो चलिए, मुझे नहीं लगता इस मीटिंग में ग्राफ की बातें हो पाएंगी, आप अपने डाउट पूछ लो। तो मैं आज शाम की मीटिंग में, ठीक है, हाँ बेटा जानता हूं बेटा समेत, मेरे इनके लेक्चर देखता हूं बेटा, आज भी इनके लेक्चर देखता हूं बेटा। हाँ कंजरे प्रो एसी वर्मा हुए, और तू तो बीसी वर्मा बोलेगा, एसी वर्मा, वॉल्टर, यार वो जो वॉल्टर है उसका पढ़ाने का तरीका ऐसा शानदार है, मैं तो उसका फैन हूं यार, सीरियसली मुझे एसी वर्मा से ज्यादा अच्छा पढ़ाने का तरीका वॉल्टर लिन का लगता है। तो कल बताऊंगा ग्राफ में बिठावे ना, हाँ ग्राफ में कल बताऊंगा। अरे भगो मत लेफ्ट लेफ्ट मत करो। हाँ मंडे से एक काम करते हैं, मंडे से नया चैप्टर चालू करेंगे, शाम को अपने डाउट पूछ लेना और कल मैं ग्राफ बता दूंगा। सर वो मिट समझ में नहीं आ गया। हाँ यार प्रोफेसर, एक्चुअली बेटा टेस्ट ले लो ना बेटा, टेस्ट की तैयारी रखो, आप सब लोग टेस्ट की तैयारी रखो, सेकंड चैप्टर की टेस्ट की तैयारी रखो, ठीक है। मैं भी बेटा बड़ा टीचर हो जाऊंगा ना, सुनो उसके सारे एक्सपेरिमेंट जो वॉल्टर लिन है, मजा आता है उसको देखने में, वॉल्टर है नहीं, मैं भी चाहता हूं इतना पैसा कमा लूं मैं कि कम से कम एक अपनी एक पर्सनल क्लास बना लूं मैं भी, सीरियसली मेरा जो टारगेट है ना, मैं उसकी तरह अपनी एक क्लास अरेंज कर रहा हूं, सॉरी उसकी नहीं, उनकी तरह एक क्लास बनाना चाहता हूं जहां मेरे पास एपरेटस हो। यार उनकी तरह पढ़ाने में कम से कम एपरेटस तो चाहिए, मैं बराबरी तो नहीं कर पाऊंगा उनकी, लेकिन कुछ तो उनसे सीख ही सकते हैं ना, और डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। हाँ डेमोन्स्ट्रेट, मुझे बस उनके लिए एसेट चाहिए, उनका वॉल्टर लुइन नाम से ये बेटा उनका चैनल, और बड़ी सिंपल इंग्लिश बोलते हैं, बहुत सिंपल इंग्लिश बोलते हैं, सबको समझ में आएगी सब, आप भी देखा करो, यदि वैसे आप लोगों के लिए टाइम बर्बादी वाली चीज है, आप लोग देखोगे तो वो हम जैसे टीचरों के लिए ही है, ठीक है। वॉल्टर लुइन में भेज दूंगा एग्जैक्टली, क्यों मेरी बेइज्जती करा रहा है, स्पेलिंग नहीं आएगी। तो बेटा आज के लिए फिर आप अपने शाम को डाउट पूछने की बजाय अभी पूछ लेते हैं, अभी बता देता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है कन्हैया, ये वाला क्वेश्चन हुआ ही नहीं हुआ, 50 छोड़ो अभी से। हाँ ये क्वेश्चन है बेटा 67 है, नहीं 77 है, ये वाला क्वेश्चन 77 वाला हुआ। एक चीज और सुनिए बेटा सब लोग, ये किसका सिंबल है, कैपेसिटर का, ये किसका सिंबल है, रजिस्टर का, ये किसका सिंबल है, बैटरी का, ये किसका सिंबल है, इंडक्टर का। ये अभी आपने नहीं पढ़ा होगा ये वाला, लेकिन पढ़ोगे आप जैसे जैसे, कैपेसिटर, रजिस्टर, बैटरी, ये। अब इसमें एक चीज और बता दूं, ये कैपेसिटर, ये रजिस्टर, ये बैटरी, ये इंडक्टर, एक चीज बता दूं जो कहीं अब, यदि मैं इन पर एरो मार दूं, इसका मतलब जानते हैं कोई कि यदि इन पर एरो मार दिया जाए तो इसका क्या मतलब हो जाता है, आपको सर्किट पढ़ना भी आना चाहिए। कितने लोग जानते हैं कि यदि इन पर एरो डाल दिया जाए तो इसका मतलब, बिल्कुल ठीक अक्षत को पता है ये बात, नमन को भी पता है, विनय को भी पता है, वैदव्य नहीं, इसका मतलब बताता हूं ये होता है कि ये रजिस्टर है,
ये वेरिएबल रजिस्टर है, ये एक बैटरी है, ये वेरिएबल बैटरी है, ये इंडक्टर है, ये वेरिएबल इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, ये वेरिएबल कैपेसिटर है। अच्छा आपको बताता हूं, जैसे रेगुलेटर होता है ना, देखो एक चीज, ये सर्किट है, यही समझ लो ये सर्किट है, ये 10 वोल्ट की बैटरी, 10 ओम का रेजिस्टेंस। अब बताइए यदि आपको इस सर्किट में 1 एम्पीयर करंट दौड़ रही है, यदि इस सर्किट में बैटरी चेंज करना अलाउड ना हो और आपको करंट चेंज करनी हो, तो पता है आपको क्या करना पड़ेगा, ये रजिस्टर साला उखाड़ो, उखाड़ो दूसरा रजिस्टर लगाओ, ये तो करना पड़ेगा, एक रजिस्टर उखाड़ो फिर दूसरा लगाओ। बेटा अब थोड़ा टेक्निकली सोचो, कनेक्शन खोलने पड़ेंगे आपको, तब दूसरा सर्किट में लगेगा। तो उसकी बजाय एक और लैम में आता है वेरिएबल रजिस्टर, ये इसको बिना उखाड़े इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं। जैसे घर में पंखे का रेगुलेटर होता है ना, पंखे का रेगुलेटर आप खट 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 कर रहे होते हो, क्या हो रहा होता है, वो सर्किट में से बिना उखाड़े, सर्किट में से बिना उखाड़े वो रेजिस्टेंस चेंज कर रहा होता है पंखे का रेगुलेटर, इसलिए पंखे की स्पीड कम ज्यादा हो रही होती है, क्योंकि रेगुलेटर से होते हुए करंट जाती है ना, स्विच ऑन करते हो तो रेगुलेटर से होके करंट जाती है। अब रेगुलेटर डिसाइड करता है पंखे में कितनी जाएगी, तो बिना उखाड़े रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, तो ये वेरिएबल रजिस्टर होते हैं। लैब में रियोस्टेट के नाम से जानते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं लैब में। यदि वैसे मैं बात करूंगा, यदि कोई स्कूल वाला मुझे वीडियो शूट करने को अलाउ कर दे, तो पर्सनली मैं प्रैक्टिकल के वीडियो भी डालने के मूड में हूँ, मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर। कोई स्कूल वाला यदि वीडियो शूट करने अलाउ कर दे, आप अपने स्कूल में पूछना है, नहीं पूछना है, यदि कोई स्कूल वाला अलाउ कर दे, तो मैं सीरियसली 12th के प्रैक्टिकल, 11th के प्रैक्टिकल भी धीमे धीमे डालने के मूड में हूँ। तो आप हाँ, और स्कूल वालों से मैं कोई चार्ज नहीं लूंगा, उनके बच्चों को प्रैक्टिकल भी सिखाऊंगा, क्योंकि भाई थोड़ा काम उनका है, उनको प्रैक्टिकल, भाई वो भी तो अपना फायदा सोचेंगे, मेरा फायदा यह है कि मैं वीडियो शूट कर लूंगा, उनका फायदा यह है कि उनके बच्चों को फ्री में प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, ठीक है। हाँ फिलहाल तो ये होता है बेटा, ये वेरिएबल कैपेसिटर, सर्किट में से उखाड़े बिना कैपेसिटर चेंज कर सकते हो, सर्किट में से उखाड़े बिना रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो, वेरिएबल बैटरी, ये सब। तो एक ये चीज हो गई, और आपको चलो बेटा ये सब क्या लिखा बेटा, एक मिनट, मैं ये मेरे लगता है मीटिंग ऑफ बंद कर दूं।